हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंक्वायरी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू fx कॉमा y अपॉन फाई एक्स कॉमा वाई। तो इसको हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हो गया एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फाई एक्स कॉमा वाई डी वाई। देन फाई एक्स कॉमा वाई डी वाई को हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स माइनस फाई एक्स कॉमा वाई डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये एफ एक्स कॉमा वाई जो फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का, इसको हम एम कह देंगे। एंड ये जो हमारा फाई एक्स कॉमा वाई है, इसको हम एन कह देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है हेयर एम इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई एंड एन इज इक्वल्स टू फाई एक्स कॉमा वाई। तो इस टाइप की जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम 7 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे 7 डिफरेंट मेथड किस तरीके से कैसे हैं। मेथड फर्स्ट है हमारा वेरिएबल्स आर सेपरेबल। इसमें हमें क्या करना है, जैसे वेरिएबल है एक्स है वाई है, तो इन ये जो एक्स और वाई होते हैं इनको हम सेपरेट सकते हैं। एंड हमारा मेथड सेकंड है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल होगा एक्स वाई, मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स या वाई में लिखी हुई होगी, उसको वेरिएबल से चेंज कर देंगे या उसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई हो जाएगा। मेथड थर्ड है हमारा होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस में होगी। जैसे कि कोई इक्वेशन होगी उसमें जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो बराबर होंगे, तो उस टाइप की इक्वेशंस को हम होमोजीनियस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। एंड ये हमारा मेथड फोर होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म। जो हमारी इक्वेशन होगी उसको हम होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा मेथड थर्ड होगा वो मेथड फोर्थ का एक नेक्स्ट स्टेप है। पहले जो हमारी इक्वेशन होगी उसको हम होमोजीनियस फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, फिर हम उसको ये होमोजीनियस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड है फिफ्थ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है, dy अपॉन dx प्लस px इज इक्वल्स टू q, इस टाइप की लिखी हुई मिलती है, उनको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फिर हमारा मेथड सिक्स्थ आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, इसे हम बोलते हैं बर्नौलीज़ फॉर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, एंड फिर हम उसको ये वाले जो हमारा मेथड नंबर फिफ्थ है उसी से सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमारा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड सेवन्थ हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबसे इजी मेथड है। इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना होता है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर वो एग्जैक्ट होती है तो हम उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, और अगर एग्जैक्ट नहीं होती है तो उसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड होते हैं जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये हमारा मेथड फर्स्ट था वेरिएबल्स आर सेपरेबल, तो इसमें क्या करना है, हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो जैसे ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, इस एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप देख सकते हैं इसमें वेरिएबल सब मिक्स है, यहाँ एक्स वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे वाई एक्स डी वाई सारे के सारे हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा sec स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई है इसको हम इस साइड भेज देंगे, जीरो के इस साइड भेजेंगे, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। देन अब आप देख सकते हैं अब हम इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे हमारा x है एंड यहाँ पे भी हमारा x है, तो यहाँ पे y को हम क्या करेंगे, y ये जो हमारा y है इस y को हम यहाँ पे इसके नीचे भेज देंगे, एंड ये जो हमारा x वाला पोर्शन है इस x वाले पोर्शन को हम यहाँ पर ला करके यहाँ इस वाले यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं sec स्क्वायर x और यहाँ से हमारा tan x आ गया, तो ये टेन एक्स डी एक्स हो गया एंड इक्वल टू माइनस का ये जो sec स्क्वायर वाई था वो ये हो गया, एंड ये जो यहाँ से हम टेन वाई लाए थे इस वाले टेन वाई को हम यहाँ लिख देंगे डी वाई। अब हम इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, जैसे कि लेट नहीं सॉरी पुट कर लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे हम टेन एक्स इज इक्वल टू टी, एंड जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो टेन एक्स का हो जाता है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड टी का हो जाता है डी टी। एंड सिमिलरली जो हमारा यहाँ पर टेन वाई होता है, टेन वाई इज इक्वल्स टू टी है,
एंड इसको भी है, जब हम y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10y का होता है sec स्क्वायर y, एंड जो y का होता है वो जाएगा dy इज इक्वल टू, और t का हो जाता है dt. ओके, और अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो फॉर्म है, ये जो हमारा जो sec स्क्वायर x dx है, sec स्क्वायर x dx, इसकी जगह पर हम dt पुट कर देंगे. एंड ये जो हमारा sec स्क्वायर y dy है, ये जो ये वाला sec स्क्वायर y dy, इसकी जगह हम ये वाला कैपिटल वाला dt पुट कर देंगे. तो देखिए कैसे हम पुट करते हैं, ये यहाँ पे पुट कर दिया sec स्क्वायर x dx की जगह हमने dt पुट कर दिया. एंड ये जो हमारा से सॉल्व कर लेंगे, अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो ये हमारा dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है वो लॉग में हो जाता है. तो जाएगा लॉग t इज इक्वल टू माइनस लॉग कैपिटल t प्लस, ये हमारा कांस्टेंट है लॉग c, यहाँ पर हम प्लस कोई c भी जोड़ सकते हैं. एंड अब ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी t की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लेट किया था वो हम यहाँ पर वापस से रख देंगे, जहाँ जैसे कि हमने यहाँ पर t की जगह स्मॉल t की जगह 10x पुट करा था वो हम ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे. एंड ये जो हमने कैपिटल t की जगह 10y लेट किया था उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे और प्लस लॉग से लिख दी. एंड अब हम जानते हैं कि ये यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है लॉग m, log m upon n is equals to log m upon n is equals to होता है log m minus log n. तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला बना हुआ है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो ये हमारा log m हो गया एंड ये हमारा माइनस log n हो गया. सॉरी, इस स्टेप को आप इधर लिख लीजिएगा तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये हमारा हो जाएगा log m upon होते हैं तो log log कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारा बच जाएगा यहाँ पर खाली 10x is equals to c upon 10y. एंड ऐसे भी आप इसे आंसर कह देंगे तो ये आपका राइट हो जाएगा. बट अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये जाएगा 10x into 10y is equals to c आंसर. ओके, तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे वेरिएबल्स एंड सेपरेबल मेथड से. अब हम इसके एक और क्वेश्चन को, एक दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको इस मेथड से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे. अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है. dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन y प्लस y cos y. एंड सिमिलरली एक ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू साइन x प्लस x cos x अपॉन y ब्रैकेट 2 log y प्लस 1. ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, वो आप ये वाला क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन अपने आप भी कर सकते हैं. तो जैसे कि सॉल्यूशन में हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके टू स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में हमें उस क्वेश्चन में से वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है, एंड जो हमारा स्टेप सेकंड होता है उसमें हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से जो स्टेप फर्स्ट से रिजल्ट मिलता है उसको हमें सॉल्व करना होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले गिवन इक्वेशन, ये हमारी दी हुई इक्वेशन है, जैसे कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट 2 log x प्लस 1 अपॉन sin y प्लस y cos y. तो इसको हम देख सकते, इस क्वेश्चन में एक कॉमन चीज, इसमें वेरिएबल्स पहले से ही सेपरेट हैं, जैसे कि ये x ब्रैकेट 2 log x प्लस 1 यहाँ पे ऊपर x वाले हैं, एंड अपॉन में साइन y प्लस y cos y, यहाँ पे सारे y के वेरिएबल्स हैं. तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे वेरिएबल्स अपने आप ही सेपरेट हैं पहले से ही. तो जैसे आपने देख लिया, ये हमारा हो गया एक्स ब्रैकेट में 2 log x प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट dx इज इक्वल्स टू साइन y प्लस y cos y ब्रैकेट क्लोज dy. एंड ये जो हमारा टर्म है x, जो हमारा ये टर्म बाहर लिखा हुआ है इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा हो गया x. एंड ये जो हमारा यहाँ पे 2 था ये हमारा इसकी पावर में आ गया. यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ये फॉर्मूला एक हमारा होता है, यहाँ पे होता है n log m, यहाँ पे हमारा बेस होता है, तो ये हमारा बन जाता है log बेस e m टू दी पावर n. ओके, तो वही वाला फॉर्मूला है, ये हमारा n log m का टर्म था, तो ये वाली हमारी जो पावर है वो यहाँ पे हमारी आगे आ गई है. एंड ये 1 में मल्टीप्लाई की तो हमारे यहाँ x हो गया dx. फिर यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं किया, साइन y प्लस y cos y ब्रैकेट क्लोज dy, ये हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया इस क्वेश्चन में. अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है इंटीग्रेशन, तो ये हम ऑन इंटीग्रेटिंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ बाय पार्ट लग जाएगा. तो बाय पार्ट मेथड को सॉल्व करते हैं. एंड ये वाला x, इसको हम पहले तो इंटीग्रेट करने से पहले इसको हम मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन करना है इसका.
इक्वल्स टू साइन वाई डी वाई प्लस वाई कॉस वाई डी वाई। अब यहां पे भी हमारा बाय पार्ट लगेगा यहां इस वाले स्टेप में, एंड ये जो ये वाला स्टेप है लॉग वाला, यहां पे भी हमारा बाय पार्ट लगेगा। तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंटरमीडिएट में, ये एक फॉर्मूला होता है आई एल ए टी ई। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा एंड कौन सा फंक्शन हमारा सेकेंड फंक्शन होगा उसको हम यहाँ से चूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आई होता है इसकी मतलब तो होता है कि ये इनवर्स को डिनोट करता है, जो हमारा ये लॉग को डिनोट करता है, तो इसलिए यहाँ पे लॉग वाले को हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया। एंड ये जो ए है ये एल्जेब्रा के टर्म्स को डिनोट करता है, तो इसलिए हमने इसको ये जो सेकेंड वाला है एक्स इसको हमने सेकेंड पे रख दिया। एंड ये हमारा सिंगल है तो इसको सिंगल ही रखा, एंड ये भी हमारा सिंगल है तो इसको ऐसे ही रख दिया। प्लस यहाँ पे देखिए पहले फिर यहाँ पे एल्जेब्रा का टर्म आएगा, तो एल्जेब्रा का टर्म हमारा ये वाई है, तो ये वाई को फर्स्ट फंक्शन कह दिया। एंड ये जो हमारा टी है ये ट्रिग्नोमेट्री को डिनोट करता है, तो इसलिए ये कॉस वाई हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया। एंड अब हम इसे बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो यहां पर ये जो हमारा सेकेंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन हुआ है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एंड फिर माइनस होता है हमारा, फिर यहां पे आता है होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड डीएक्स प्लस ये जो हमारा ये सिंगल वाला फंक्शन था इसका हम इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिख देंगे। एंड देन ये जो हमारा ये वाला टर्म था इसका इंटीग्रेशन यहां है, साइन वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस वाई, ये हमने यहां लिख दिया है। प्लस अब इसमें यहां पे हमारा बाय पार्ट लग गया, तो यहां पे होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये जो सेकेंड फंक्शन है कॉस वाई का इंटीग्रेशन होता है साइन वाई, वो हमने लिख दिया। फिर माइनस होल इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ये हमारा जो वाई वाला है इसका हमने यहां पे ये डिफरेंशिएशन कर दिया है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये सेकेंड फंक्शन हमारा कॉस वाई है तो इसका हमने यहां पे इंटीग्रेशन कर दिया है एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज डी वाई। अब हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है, ये जो हमने यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू था इसको हमने ऐसे लिख लिया है, बट एक्स स्क्वायर अपॉन टू को आगे लिख लिया है। एंड माइनस जब इसका हम लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड जब हम फंक्शन का करते हैं तो एक्स स्क्वायर का हो जाता है टू एक्स। ओके, एंड इंटू ये जो ये वाला एक्स है इसका इंटीग्रेशन हमने यहां पर लिख दिया है, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू डीएक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये जो ये वाला टर्म था। एंड ये जो इक्वल्स टू वाला टर्म है ये हमने यहां पे लिखा है इक्वल्स टू, ये कॉस वाई को कॉस वाई लिख दिया है माइनस कॉस वाई, प्लस वाई साइन वाई को वाई साइन वाई, माइनस जब डिफरेंशिएशन होगा वाई का वाई के रिस्पेक्ट से तो वो हमारा वन हो जाएगा इंटू कॉस वाई का हो जाता है साइन वाई इंटू डी वाई। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर था ये ऐसे ही हो गया, एंड माइनस यहां से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड टू से टू कैंसिल, यहां पे सिंपल एक्स बचाए। एंड जो हम जानते हैं कि एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाता है, उसको हमने यहां पे ये लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई टू। एंड ये जो ये वाला टर्म था इसको हमने यहां पे ऐसे लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड ये जो हमारा इक्वल्स में था माइनस कॉस वाई ये लिख दिया, एंड ये जो हमारा प्लस का वाई साइन वाई ये लिख दिया। एंड ये साइन वाई का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि माइनस कॉस वाई होता है, तो ये माइनस ये बाहर वाला, एंड साइन वाई का इंटीग्रेशन हो गया ब्रैकेट में माइनस कॉस वाई एंड प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे। तो चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं, जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट टू लॉग वाई प्लस वन। ओके, तो सिंपली जैसे हम गिवन इक्वेशन इज जो हमारी इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स इसमें हमारे सेपरेट हैं पहले से ही, तो डी वाई के साथ में वाला टर्म आ जाएगा, तो ये हम यहाँ पे ब्रैकेट टू लॉग वाई प्लस टू लॉग वाई प्लस वन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे। एंड ये डी वाई के साथ इज इक्वल्स टू ये जो ये वाला टर्म था हमारा ये डी एक्स के साथ में आ जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये हो गया हमारा डी एक्स। ओके, तो वहीं वाई के अंदर सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जाएगा वाई, और ये जो टू था ये आगे आ जाएगा वही लॉन्ग वाले फॉर्मूले से,
जो हमने फार्मूला यूज़ करते हैं लॉग बेस टू द ई, ये जो ये वाला फार्मूला होता है अब इस टाइप का, तो इसमें ये हो जाता है लॉग बेस टू द ई एम टू द पावर एन, ये जो ये वाला हमारा फार्मूला है. ओके, तो यही फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर प्लस वाई की यहाँ मल्टीप्लाई करा दी तो ये हो गया वाई, एंड ये हमारा हो गया डी वाई इज इक्वल्स टू, इस टर्म में हमें कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा प्लस एक्स कॉस एक्स. एंड अब हम इसमें वही इंटीग्रेशन फार्मूला एक यूज़ करेंगे आई एल ए टी ई, ये हमारा इंटरमीडिएट का फार्मूला है, बहुत हेल्पफुल है. इन्वर्स तो यहाँ पे कोई है नहीं, इसे हमें फंक्शन को चूज़ करने में आसानी रहती है कि किसे हम फर्स्ट फंक्शन बोलें किसे हम सेकंड फंक्शन बोलें, क्योंकि एक ये भी क्वेश्चन में पता करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता है, इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज़ होता है. तो जैसे कि यहाँ पे आई जो है वो इन्वर्स को डिनोट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहीं पर भी इन्वर्स का टर्म है ही नहीं, और एल एल जो है वो लॉग तो यहाँ पे हमारा है, तो लॉग जो है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट फंक्शन, तो लॉग को हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे, ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन. इनटू ए जो है वो हमारे एलजेब्रा के टर्म्स को डिनोट करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलजेब्रा का टर्म है, तो इसे हम यहाँ पर सेकेंड फंक्शन बोल देंगे, तो हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया. एंड ये हमारा डी वाई के साथ में इसको लिख लेंगे, एंड ये वाला जो हमारा टर्म था प्लस का वाई डी वाई, ये वाला टर्म इसको हम सिंपली ये वाई डी वाई ही करके लिख लेंगे. एंड ये जो हमारा ये साइन एक्स वाला टर्म है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि हमारा सिंगल टर्म है तो इसमें हमें कुछ करना नहीं. एंड यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट का है, तो हमें फंक्शन कौन सा हमारा फर्स्ट होगा एंड कौन सा हमारा सेकेंड होगा. तो एक्स जो है वो एलजेब्रा का टर्म है, तो यहाँ पे एलजेब्रा का टर्म पहले आता है एंड देन ट्रिग्नोमेट्री का टर्म आता है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एंड ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा. तो ये हमने प्लस एंड ये हमारा जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा एक्स कॉस एक्स, एंड ये हमारा हो गया डी एक्स. यहाँ पे लिख लीजिए ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड ये हमारा सेकेंड फंक्शन. अब हम इसमें बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल कर्ली ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ये हमारा फर्स्ट फंक्शन जो था इसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया ब्रैकेट क्लोज, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया. ये वाला जो टर्म था इसको हमने प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू लिख लिया, एंड ये जो इज इक्वल्स टू का साइन था हमने इधर लगा लिया. साइन एक्स का हम सभी जानते हैं कि माइनस का कॉस एक्स हो जाता है, एंड प्लस फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं, एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये एस सेकेंड फंक्शन हमारा सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस का होल कर्ली ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है कॉस एक्स डी एक्स, एंड ये हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा एंड ये हमारा डी एक्स का साइन हो जाएगा. ओके, वही फिर से हमें करना है ये लॉग वाई स्क्वायर, ये ऐसे हो गया, एंड वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ओ वाई को डी वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, एंड ये माइनस लग गया हमारा, इंटीग्रेशन का साइन हो गया. डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई स्क्वायर हमें पता है कि वन अपॉन फंक्शन हो जाता है. फिर हम करते हैं यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंश, और यहाँ पे फंक्शन हमारा वाई स्क्वायर है, तो ये हमारा हो गया वाई स्क्वायर, एंड वाई का डी वाई का इंटीग्रेशन हमें पता है कि यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन टू हो जाता है, एंड ये हमारा डी वाई का सिंबल लग जाएगा. एंड ये जो हमारा सिंपली प्लस का ये वाला टर्म है इसको हम ऐसे लिख देंगे वाई स्क्वायर अपॉन टू, एंड यहाँ पे इक्वल का साइन हो जाएगा ये वाला टर्म, तो ये पे माइनस का कॉस एक्स को ऐसे ही लिख लेंगे प्लस एक्स को ऐसे ही लिख लेंगे. एंड ये जो कॉस एक्स है इसका इंटीग्रेशन जो है वो हम जानते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स माइनस ये वाला माइनस, एंड जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से तो वो हमारा वन हो जाता है, तो ये इंटीग्रेशन में इंटू वन, एंड ये वाला टर्म था यहाँ पे कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जाता है साइन एक्स, एंड ये वाला टर्म हो जाएगा डी एक्स. ओके, तो फिर से इस वाले टर्म को हम आगे लिख लेंगे जैसे कि हमने अभी पहले किया था, तो ये हमारा हो जाता है वाई स्क्वायर अपॉन टू लॉग वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एंड इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टू वाई, एंड यहाँ पे ये जो ये वाला टू था वो यहाँ अपॉन में आ जाएगा, एंड ये जो डी वाई का सिंबल था ये हो गया प्लस का ये वाला टर्म वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म,
माइनस का कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, एंड ये साइन एक्स का, ये माइनस का साइन एक्स का जो हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, तो ये हमारा हो गया। एंड अब हमारा ये नेक्स्ट वही वाला स्टेप है वाई स्क्वायर अपॉन टू, ये वाला जो टू है वो आगे आ जाएगा जैसे कि हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया था वही वाले फॉर्मूले से। ये जो फार्मूला हमने यहाँ ऊपर यूज़ किया था एन लॉग एम वाला, तो वही जैसे अभी हमारा ये वाला फॉर्म है तो ये वाला जो एन है वो आगे आ जाता है जैसे कि ये, तो वही वाला टर्म है। ओके तो यही हमारा ये आगे आ गया। यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं एंड माइनस ये वाले टू से वाले टू कैंसिल हो जाएगा। एंड वाई का हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन हो जाता है वाई स्क्वायर अपॉन टू, एंड ये वाला हमारा टर्म हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म हमारा माइनस का कॉस एक्स हो गया प्लस एक्स साइन एक्स हो गया, एंड ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये प्लस का हो गया हमारा कॉस एक्स। एंड यहाँ पे हम एक कांस्टेंट जोड़ देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा हो गया है। ओके तो यहाँ पे क्लियर है कि इस टू से वाला टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू से प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस कॉस एक्स से प्लस कॉस एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा है उसे नोट कर लेते हैं, यहाँ पे बचता है हमारा वाई स्क्वायर, हमारा बचा लॉग वाई इज इक्वल्स टू वो सॉरी प्लस का बचेगा एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा बचेगा ये टर्म कैंसिल हो गए हैं सारे टर्म, तो यहाँ पे बचेगा सिंपली यहाँ से वाई स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया तो आप हमें बता सकते हैं, उस पर हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। ओके थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग।